यूपी के तीसरे चरण और पंजाब में आज वोटिंग का दिन, कुल 176 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का दौर शुरू हो गया है। यूपी की बात करें तो हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में वोटिंग शुरू हो गई है। वहीं पंजाब में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 117 विधानसभा सीटों के लिए कुल 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में 2.14 करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 1304 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला कर रहे हैं। फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र के सातो जोगा गांव में चुनाव प्रचार में गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सपा समर्थकों ने लाठी डंडे से जमकर मारपिटाई की है, जिसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए और 1 युवक को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। फरुखाबाद में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। जिले की 4 विधानसभाओं में मतदान जारी है। वहीं मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात। हाथरस में भी तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी हाथरस ने पुलिस फोर्स के साथ पोलिंग बूथों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। औरैया में भी तीसरे चरण को लेकर चुनाव मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए 10 लाख से ज्यादा वोटर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। महोबा की 2 विधानसभाओं में मतदान शुरू हो चुका है। यहां बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदान शांतिपूर्वक हो सके इसके लिए पुलिस बल भी सभी बूथों पर मौजूद है। मैनपुरी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने पोलिंग बूथ पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। संबल के बनियाठेर थाने के गांव मोहम्मदपुर बाबाई में जमीन पर कब्जे के प्रयास में एक भाई पर दूसरे भाई और भतीजों ने पथराव किया। इस दौरान जमकर गाली गलौज हुई। पीड़ित भाई ने पुलिस को दी तहरीर। पथराव के अलावा फायरिंग का भी आरोप लगाया। झांसी के कोतवाली थाना के मिनरवा पुलिस चौकी के सामने आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जहां पर बीजेपी का झंडा मुख्य चौराहों पर गुलाम गैस चौक पर लगा हुआ दिखाई दिया। कन्नौज में सांसद सुब्रत पाठक ने सदर के भोलानाथ धर्मशाला में वोट डाला है। इस दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने वोटरों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की और कहा कि बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीत रही है।